है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। कहाँ लिखूँ, यहीं पर लिखूँ, यहीं पर, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब उसमें वेलोसिटी नहीं बदलने वाला। मतलब जैसे ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो स्पीड कितनी है, यू कॉस थीटा। ये पार्टिकल कुछ देर बाद जब यहाँ पहुँचेगा, कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगा, तब भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही होगा, तब भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही होने वाला है। कुछ देर बाद मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तब भी इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा ही होने वाला है, वो चीज़ें चेंज नहीं होता है। जब ये टॉप पे पहुंच गया तब भी इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा ही होने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि स्पीड तभी चेंज होता है, वेलोसिटी तभी चेंज होता है जब एक्सेलरेशन हो। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा एट ऑल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट। अगर ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया तो भी यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा। यू कॉस थीटा जब वो यहाँ पहुँचेगा तब भी उसके हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहेंगे, वो हो जाएंगे यू कॉस थीटा। अगर ये यहाँ पहुँच गया तब भी इसके हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहेंगे, वो हो जाएंगे यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा नहीं बदलने वाला है। क्यों नहीं बदलने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आया तो बताओ हाँ या ना, क्या आपको ये बात समझ में आया तो बताओ जल्दी से हाँ या ना, जल्दी से बताओ।